हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नवनीत मांधनी है। हमने अभी तक इस साल में दो वीडियोस मैंने आपके सामने रखे थे। पहला वीडियो एकदम बेसिक था कि हम बिजनेस के लिए लोगों क्यों बनाते हैं, और जो इसके पहले का वीडियो आया उसमें मैंने आपको बताया कि लोगों जो हम बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन था कि लोगों और बिजनेस की ग्रोथ कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि लोगों तो डिज़ाइनर बनाता है और बिजनेस कोई और रन करता है। तो मैंने उसका आंसर पिछले वीडियो में दिया था, आप वो जाके देख सकते हो। अब आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लोगो बनाते समय सबसे पहले तो लोगो क्यों बनाना है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि लोगो बनाते समय हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप में से जो ये लोग वीडियो देख रहे हो वो खुद भी लोगो बनाते होंगे, आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस रहेगा। पर आप जब लोगो बनाते हो वो लोगो आर्टिस्टिक एंगल से बनाते हो, और मैंने जो लोगो बनाना सीखा है वो बिजनेस पे डिपेंड करता है कि वो लोगो कैसे होना चाहिए, और उसी के कारण शायद कभी कभी जो लोगो मैं बनाने को बोलूँगा वो दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे। अट्रैक्टिव रहेंगे पर उतने ज़्यादा नहीं, पर एट द सेम टाइम उनके रिजल्ट ट्रिमेंडस आने वाले हैं। तो डिसीजन आपको लेना है कि लोगो कैसे बनाना है। तो लोगो सबसे पहले बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लोगो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी होती है। बिजनेस भरे इंडिविजुअल करो, पार्टनरशिप रहने दो या कंपनी करने दो, या आपका फेस बिजनेस का फेस नहीं होता है, बिजनेस पहचाना जाता है आपके बिजनेस के सिंबल से यानी लोगो से। तो लोगो एक बार आपने बना दिया, अब हम सभी लोग बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे, आपके वेबसाइट पे चला जाएगा, आपके कार्ड पे चला जाएगा, आपके एडवर्टीजमेंट पे चला जाएगा। तो एक बार अगर आपने लोगो बना लिया तो वो लोगो फिर बदलने के लिए बहुत दिक्कत आती है। तो अभी भी आपका अगर लोगो एग्जिस्टिंग है वो लोगो आप मुझे भेजिए, उसमें अगर कुछ वो बराबर नहीं है तो मैं करेक्शन करके दे सकता हूँ, और अगर पूरी तरह से वो अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली हमको पूरा उसको बदलना पड़ेगा। फिर आपके जो पुराने विजिटिंग कार्ड है, पुराने लेटर हेड है, पुराने बोर्ड, सारे के सारे अगर आप तैयारी, आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो करे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी आप राह देख रहे हो कि लोगों में क्या देखना चाहिए। सबसे पहले जब हम लोगो बनाते हैं तो आपको सारी चीज़ें पॉइंट आउट करनी है कि आप इस बिज़नेस में करने वाले क्या हो। जब आप इस बिज़नेस में जो भी चीज़ें करने वाले हो, यानी आपका एक्टिविटी क्या है, देर में भी समवन हु इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कोई है जो गुड्स बेच रहा है, कोई है कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई है सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसे आपको पहले बताना पड़ेगा मुझे कि आप करने वाले क्या हो। उसके बाद मैं आपकी एक्टिविटी को ध्यान में लूँगा कि वो एक्टिविटी किस कैटेगरी में आती है, मार्केट में उसका कंडीशन क्या है, आपका प्रोडक्ट यूनिक है क्या, आपका प्रोडक्ट रेगुलर है पर उसको कंपटीशन बहुत है क्या, आपके प्रोडक्ट में जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें मेरे लोगों में कवर होनी चाहिए, वो हो रही है क्या, ये चीज़ें आपने देखनी चाहिए। और मेरे हिसाब से लोगों में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फॉन्ट्स का सिलेक्शन और कलर का सिलेक्शन। आप मैंने जितने फेल्योर लोगों देखे हैं, सब फेल्योर लोगों में इन दो चीज़ों का मीन्स बहुत ज़्यादा उपयोग गलत किया गया है। आप जिस बिजनेस में हो उस बिजनेस के टाइप के हिसाब से आपने कलर यूज़ करने चाहिए, ना कि आपको अच्छा लग रहा है बोल के कलर लेने चाहिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि लोगों में जो फॉन्ट्स आप यूज़ करते हैं, जैसे आप बहुत से लोग ऐसे फॉन्ट्स यूज़ करते हो जिसमें कट्स बहुत है और आपको लगता है वो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन वो फॉन्ट्स आपके बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तीसरी चीज इम्पॉर्टेंट होती है, मैं देखता हूँ उस लोगो में कि आप जो लिख रहे हो उस लोगो में, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ तो बहुत बार मैं जो ओनर होता है, प्रमोटर होता है, उसका मैं डेट ऑफ बर्थ भी पूछ लेता हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहती है, नो डाउट लोगों का साइंस जो है वो देर आर सर्टेन लॉजिक बिहाइंड इट, पर न्यूमरोलॉजी अगेन डिफरेंट साइंस इट इज़। तो मैं हो सके तो ओनर का डेट ऑफ बर्थ लिखे, उस या तो बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन का डेट लेके उनको कौन सा कलर सूट होगा और वो कलर उस प्रोडक्ट को भी सूट हो रहा है, उस टाइप ऑफ बिजनेस को भी सूट हो रहा है, वो भी देखता हूँ। ये सारी चीज़ें जब आप एक साथ करोगे तो डेफिनेटली आपको लोगो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो हम यहाँ आज समाप्त करते हैं ये वीडियो। जब नेक्स्ट टाइम होगा तब हम डिस्कस करेंगे और ऐसे 10 पहलू हैं जो लोगों में हमको देखने चाहिए, और एक बेस्ट लोगो आपके बिजनेस का हम बनाते हैं। शायद आप आज तक सक्सेसफुल थे या नहीं थे, पर कितने तो भी ज़्यादा गुना से आप हो सकते हो, उसके लिए मेरी ये छोटी सी कोशिश है। थैंक यू।